टू द चैनल बेड करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए 2017 का क्वेश्चन पेपर है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये पेपर है। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, 3 आवर्स का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स 2017 के पेपर में 70 रखे गए थे। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस भी हो गए हैं तो उनको देखेंगे अभी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिलता है जिसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये देखेंगे। आपको डिफरेंस बताना है पहले क्वेश्चन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बीच में। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बीच में अंतर लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के बीच में आपको क्या संबंध है ये बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ काउंसलिंग इन इंडियन स्कूल। तो इंडियन स्कूल में क्या पर्पस है, क्या काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शुड अ गुड काउंसलर हैव। तो कैसी पर्सनालिटी, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए एक अच्छे परामर्शदाता का, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्टिव काउंसलिंग से। तो आपको बताना है डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है और व्हेन इट इज और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी नीड कब रहती है ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है व्हाट आर द वेरियस स्टेप ऑफ इवेलुएटिंग गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक गाइडेंस प्रोग्राम को इवेलुएट करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप की ज़रूरत पड़ती है ये बताना है। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम के। तो क्या क्या विशेषताएं होंगी अगर एक कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस। एक शिक्षक का निर्देशन में क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है ये बताना है। फिर व्हाई आर काउंसलिंग इंटरव्यू ऑर्गेनाइज, काउंसलिंग इंटरव्यू को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसमेंट सर्विस इन गाइडेंस, प्लेसमेंट सर्विस का गाइडेंस में क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है। ये आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और इसमें एक एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का रहता है। आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पूरी यूनिट से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस आपको बताना है और पर्सनल गाइडेंस को डिटेल में समझाना है। इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन चॉइस में मिलता है कि नेचर एंड फंक्शंस बताने हैं आपको एजुकेशनल गाइडेंस के। अब यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यूनिट सेकंड में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर द गाइडेंस प्रोग्राम इन अ सेकेंडरी स्कूल इन द लाइट ऑफ द करंट ट्रेंड इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के करंट ट्रेंड के रूप में आपको सेकेंडरी स्कूल में गाइडेंस प्रोग्राम किस तरह से ऑर्गेनाइज कराया जाता है ये बताना है। और इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है फॉलो अप सर्विस से, फॉलो अप सर्विस क्या है ये बताइए। और हाउ कैन फॉलो अप स्टडी बी डन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव लेफ्ट द स्कूल। तो कैसे फॉलो अप सर्विस, फॉलो अप स्टडी की जाती है उन छात्रों की जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ये आपको बताना था। अब यूनिट थर्ड की बात करेंगे। इसमें आपको डिफाइन करना है काउंसलिंग और काउंसलिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांत को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू का। तो ये टूल्स ऑफ काउंसलिंग, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग से जो है क्वेश्चन है आपका कि इंटरव्यू कॉन्सेप्ट को आपको बताना है एंड हाउ इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग, काउंसलिंग से इंटरव्यू कैसे डिफरेंस होता डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो साक्षात्कार और परामर्श में क्या अंतर है ये आपको डिफाइन करना है। अब फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलता है, आपको रिलेशन बताना है काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में और इसी के साथ आपको एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स जो होते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ये आपको बताना है।
देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा जो डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर, एक अच्छे काउंसलर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक अच्छे काउंसलर की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन थे यूनिट फोर्थ के। अब हम आते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। तो ये भी बी एड थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो थर्ड पेपर है इसका, इसके लिए कंपलसरी पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 हो जाता है क्योंकि ये न्यू कोर्स से रिलेटेड है इसलिए। और इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें पैटर्न चेंज हो गया था इसका 2018 में। तो इसमें 8 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो ये आपका 32 मार्क्स का हो जाएगा। फिर हर एक यूनिट से आपको 4 यूनिट होंगी, उसमें 2 क्वेश्चन चॉइस में मिलेंगे, कोई एक क्वेश्चन करना होगा और एक क्वेश्चन 12 नंबर का रहता है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से करने हैं। तो पहले आपको बताना है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, सिद्धांत बताने हैं आपको निर्देशन के। फिर निर्देशन की क्या आवश्यकता है ये बताना है आपको, डिफरेंस बताना है आपको निर्देशन और परामर्श में, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है ये बताना है। मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, तो क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं गाइडेंस सर्विसेज की ये आपको बताना है। लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ द एजुकेशनल गाइडेंस टू स्टूडेंट्स एंड टीचर, एजुकेशनल गाइडेंस की क्या एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए ये आपको बताना है। और फिर शॉर्ट नोट लिखना है आपको फॉलो अप सर्विस के लिए, ये एक टाइप है गाइडेंस सर्विस का, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आपको मेन क्वालिटीज़ बतानी है काउंसलर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट में मिल जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम, तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या विशेषताएँ हो सकती हैं ये बतानी है। अब यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, तो यूनिट फर्स्ट में आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है वोकेशनल गाइडेंस से। तो गाइडेंस के टाइप से आपको क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे वोकेशनल गाइडेंस से, व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, इसके फंक्शंस बताने हैं एट द वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन, तो अकॉर्डिंग टू प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, तो इन सब लेवल्स पे आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को डिफाइन करना है। अब आते हैं यूनिट फर्स्ट के ही सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको चॉइस में मिलता है कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम डील्ड इन अ पर्सनल गाइडेंस, तो कैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम को डील किया जाता है पर्सनल गाइडेंस में ये आपको डिफाइन करना है। फिर एग्जामिन द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम, और क्या स्टेप्स, क्या सिद्धांत को लिया जाता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया जाता है पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपको डिफाइन करना है। अब यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं, तो यूनिट सेकंड में आपको 2018 में क्वेश्चन मिल गया था गाइडेंस सर्विसेज का, गाइडेंस सर्विसेज क्या होती हैं ये बताइए, और मेजर एरियाज, मेजर गाइडेंस सर्विसेज को आपको बताना है और उनकी इम्पोर्टेंस भी आपको डिफाइन करनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको गाइडेंस सर्विसेज में कई तरह की सर्विसेज मिल जाती हैं जैसे कि काउंसलिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सर्विसेज, फॉलो अप सर्विसेज और ओरिएंटेशन सर्विसेज, तो इन सब सर्विसेज को आपको बताना है और इंपॉर्टेंस इनकी डिफाइन करनी है। फिर आपको इसी में चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज, क्यों गाइडेंस सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसकी क्या नीड है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको डिफाइन करना है। अब यूनिट थर्ड की बात करेंगे, तो यूनिट थर्ड में आ जाता है मीनिंग एंड बेसिक अजम्पशंस आपको बताने हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग के, और डायरेक्टिव काउंसलिंग के ही आपको एडवांटेज बताना है, लिमिटेशन बतानी है। तो ये पूरा क्वेश्चन डायरेक्टिव काउंसलिंग से है, इसमें आपको मीनिंग बतानी है, बेसिक अजम्पशंस बताने हैं, एडवांटेजेस बतानी है और लिमिटेशन बताना है। फिर इसी में यूनिट थर्ड में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा चॉइस में मेंशन द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग प्रोसीजर के आपको स्टेप्स बताने हैं, काउंसलिंग किस तरह से स्टार्ट की जाती है और किस तरह से एंड की जाती है इसके सारे सोपान बताने हैं आपको, सारे स्टेप्स बताने हैं। फिर डिस्क्राइब करना है टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग प्रोसीजर की क्या टेक्निक है ये आपको डिफाइन करना है। यूनिट फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो यूनिट फोर्थ में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है रोल ऑफ अ काउंसलर इन काउंसलिंग प्रोसेस, तो क्या रोल है एक काउंसलर का, परामर्शदाता का काउंसलिंग प्रोसेस में, परामर्श की प्रक्रिया में
परामर्शदाता का की क्या भूमिका होती है ये बताना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाता है चॉइस में, व्हाट इज़ द नीड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर्स। तो ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर से क्वेश्चन आपको मिल जाता है जिसमें आपको इसका नीड बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है और फंक्शन बताना है। तो 2018 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे 2019 के पेपर के बारे में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 का, बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए ये पेपर था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। तो ये न्यू कोर्स था, इसी का ये पेपर है। इसमें आपको टोटल टाइम दिया गया था 3 आवर्स का और ये पेपर जो था उस वो मैक्सिमम मार्क्स थे इसमें 80 मार्क्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता था जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते थे, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका रहता था। उसके बाद 4 यूनिट में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाते थे, तो कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता था। शॉर्ट क्वेश्चंस की पहले बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन मिले थे आपको, जिसमें से पहला क्वेश्चन आ जाता है रोल ऑफ टीचर इन पर्सनल गाइडेंस। तो क्या शिक्षक की भूमिका होती है पर्सनल गाइडेंस में, व्यक्तिगत निर्देशन में। फिर बताना है आपको नीड टू वोकेशनल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स। तो वोकेशनल गाइडेंस व्यवसायिक निर्देशन की क्या नीड होती है, क्या आवश्यकता रहती है बच्चों के लिए, ये बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन इसमें मिल जाता है रिवैंस ऑफ द फॉलो अप सर्विस से ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको क्वेश्चन मिलता है मेथड्स टू इवेलुएट गाइडेंस सर्विस इन स्कूल्स। तो गाइडेंस सर्विस को किस तरह से इवेलुएट किया जाता है स्कूल्स में, इसके मेथड आपको बताने हैं। डिफरेंस बताने हैं आपको डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। फिर आपको क्वेश्चन मिल जाता है सेल्फ इन्वेंट्री एज अ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। सेल्फ इन्वेंट्री टेक्निक से ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको। अब आपको क्वेश्चन मिल जाता है इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलर एंड काउंसली रिलेशनशिप। तो क्या इम्पॉर्टेंस होती है, क्या जो है इसकी इम्पॉर्टेंस बताई गई है काउंसलर एंड काउंसली रिलेशनशिप की। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप गाइडेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये आपको बताना है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन आ जाता है एजुकेशनल गाइडेंस से। तो एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है ये बताइए, और व्हाई इट इज़ नीडेड एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे क्यों इसकी आवश्यकता होती है ये आपको बताना है, इसकी नीड बतानी है आपको। फिर आपको इसी में चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है मीनिंग कॉन्सेप्ट और नेचर बताना है आपको गाइडेंस का। तो ये आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे निर्देशन से, गाइडेंस से, कि मीनिंग कॉन्सेप्ट और नेचर बताइए गाइडेंस का। फिर यूनिट सेकंड की बात करेंगे तो यूनिट सेकंड में आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है गाइडेंस सर्विसेज से। गाइडेंस सर्विसेज क्या है ये बताइए, और रेमेडियल सर्विस को आपको डिफाइन करना है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। देन आपको सेकंड क्वेश्चन इसमें चॉइस में मिलता है स्टेप्स एंड प्रोसीजर बताने हैं आपको ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। तो किस तरह से गाइडेंस सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेसेस रहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके स्कूल्स में, ये आपको डिफाइन करना है। फिर यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। पहले क्वेश्चन में आपको काउंसलिंग बताना है, तो बेसिक क्वेश्चन ये भी मिल गया आपको कि काउंसलिंग बताइए, और फिर इसके सिद्धांत बताने हैं, प्रिंसिपल्स बताने हैं, और इसके प्रोसीजर को बताना है, इसकी क्या प्रक्रिया है ये आपको बताना है। फिर इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है इक्लेक्टिक काउंसलिंग आपको बताना है, उसके बाद इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन आपको डिफाइन करनी है। अब यूनिट थर्ड की बात, फोर्थ की बात करेंगे, लास्ट यूनिट है ये। तो यूनिट फोर्थ में आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज बतानी है आपको काउंसलर की। तो परामर्शदाता की कौन कौन सी पर्सनल जो है क्वालिटीज़ होंगी और कौन कौन सी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होंगी ये डिफाइन करना है आपको। एंड व्हाई शुड स्कूल हैव काउंसलिंग सेंटर्स। तो आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें मिलता है व्हाई शुड स्कूल हैव काउंसलिंग सेंटर, स्कूल्स में क्यों काउंसलिंग सेंटर्स का होना ज़रूरी है ये आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे 2019 का पेपर समाप्त होता है। अब बात करेंगे 2020 से 21 के बीच में जो पेपर आया था उसकी बात करेंगे। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 मार्क्स का ये पेपर था। इसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एनी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो ये पेपर भी जो है रिवाइज हुआ है, इसका पैटर्न रिवाइज हुआ है। इसके लिए इसमें किसी 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से।
जिसमें आपका पहला क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो ये जो आप चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 8 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में आपको अंतर बताना है, तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें मिल जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इन एजुकेशनल गाइडेंस। इंफॉर्मेशन सर्विस जो एजुकेशनल गाइडेंस में दी जाती है इसकी आपको इम्पॉर्टेंस बतानी है, इसका महत्व बताना है, तो ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का हो गया आपका। पर्सनल गाइडेंस आपको डिफाइन करना है, ये क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का हो जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन जिसको कहा जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है चॉइस में व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, गाइडेंस सर्विसेज के क्या सिद्धांत हैं, निर्देशन सेवा के क्या सिद्धांत हैं, ये आपको डिफाइन करना है। फॉलो अप सर्विस आपको बतानी है, अनुवर्ती सेवा जिसको कहते हैं, काउंसलर एंड काउंसली रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना है, रोल ऑफ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम आपको बताना है, फिर काउंसलिंग फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन तो प्रखर बच्चों के लिए परामर्श किस तरह से दिया जाता है ये आपको डिफाइन करना है। तो ये 8 जो है शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 8 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से ये पूरे शॉर्ट क्वेश्चन आपके 4 32 नंबर के हो जाएंगे। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको चॉइस में दिए गए हैं, इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इस पूरे पेपर में आपको 5 जो है कंपलसरी क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इसमें 4 आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें से राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस और काउंसलिंग का आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में ये आपको बताना है। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपको दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है इसमें डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में क्या डिफरेंस है, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में आपको अंतर बताना है, एंड हाउ विल अरेंज वोकेशनल गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल एंड हायर लेवल, तो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल गाइडेंस को किस तरह से अरेंज किया जाता है ये आपको बताना है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन की किस तरह से व्यवस्था होती है ये आपको बताना है। फिर इसी में आपको तीसरा क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेशन सर्विस, ओरिएंटेशन सर्विस से आप क्या समझते हैं, हाउ यू विल अरेंज ओरिएंटेशन सर्विस इन योर स्कूल, किस तरह से आप ओरिएंटेशन सर्विस को अपने स्कूल में अरेंज कर सकते हैं ये आपको बताना है। फिर इसी में आपको क्वेश्चन मिलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन इन गाइडेंस सर्विस, इवैल्यूएशन इन गाइडेंस सर्विस से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ द इवैल्यूएशन इन गाइडेंस सर्विस, तो क्या इम्पोर्टेंस है इवैल्यूएशन इन गाइडेंस सर्विस की, क्या इसकी नीड है ये आपको बताना है। फिर आपको क्वेश्चन मिलता है कि आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बताना है काउंसलिंग तरुण का, तो काउंसलिंग परामर्श के क्या सिद्धांत हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है ये आपको बताना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाता है नेचर एंड मीनिंग ऑफ काउंसलिंग का, तो परामर्श की क्या प्रकृति है, परामर्श से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है, और डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है व्हाट आर द स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कौन कौन से स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और टेक्निक्स हैं, और इसमें से आपको इंटेलिजेंस टेस्ट को डिफाइन करना है। फिर आपको 9th नंबर पे क्वेश्चन मिल जाता है एक्सप्लेन द क्वालिटीज एंड रोल ऑफ अ गुड काउंसलर इन डिटेल, तो आपको क्वालिटीज़ एंड रोल बताने हैं एक गुड काउंसलर के, तो अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या भूमिका होती है ये आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको इतनी चॉइस मिल जा रही है यहाँ पे कि कोई 4 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिए, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन में से कोई 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर आया था। थैंक यू एवरीवन।